नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह मैं आपको ये न्यूज देना नहीं चाहता था, फिर मुझे लगा इसलिए दे देना चाहिए जिससे आपके मानस पटल में हमेशा के लिए याद हो जाए। याद करना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा वीडियोज बनाता हूँ अपडेट्स देने के लिए या आपको पढ़ाने के लिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अवेयर करने के लिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आने वाला समय जो है वो कितना ज्यादा कष्टदायक है, वो किस तरीके से बुरा होता जा रहा है, और बेसिकली वो कौन सी छोटी छोटी गलती है जो आप करते हो और आपका पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। सो प्लीज इस वीडियो को, हम जो छात्र हैं, क्योंकि आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो मेरा किसी व्यक्ति भी विशेष से लेना देना नहीं है। ये न्यूज बस आपके मानस पटल में इसलिए देना है क्योंकि आप आने वाले हो, आप लोग किसी न किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले हो, और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी पता चले कि आप इस तरह की गलती मत करना, नहीं तो आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सो फाइनली मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे बीच की घटना है और हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब हम लोग सपना देखते हैं किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का, तो जनरली वो हमारे घर से दूर होता है, हमें बहुत दूर जाके पढ़ाई करनी होती है, हमारे घर से रिश्ते एक तरह से टूट जाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बस उनसे जुड़े रहते हैं। अब दूर होने के नाते हम लोग उनसे हमेशा कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं शेयर कर सकते हैं, और हम अपने चीजों को भी लेके बहुत क्लोज्ड हो जाते हैं, और इस तरीके से अपना खुद का एक दुनिया बना लेना और उसमें कुछ गलत चीजें हमारे अंदर आ जाना या कुछ गलत लोगों से जुड़ जाना, ये तमाम चीजें जो है वो नेचुरली हमसे कनेक्ट होने लगती हैं। तो आज आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि उन सब चीजों से कैसे आप दूर रह सकते हो, कैसे आप खुद को बचा सकते हो। देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग घर छोड़ते क्यों हैं। अगर आप बस इस एक मैसेज के अंदर हर एक बात को समझने की कोशिश करोगे, इस एक लाइन के अंदर, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग घर इसलिए छोड़ते ही नहीं है कि हम जाके कुछ इस तरीके का घटना करें या वारदात करें। हम लोग घर छोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई करके अपना करियर बनाने के लिए। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता है। हम यही चाहते हैं कि हम अपना एक बढ़िया जो है व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अच्छा करियर बना के पैसे कमा के अपने घर वालों को दे सकें, और हमारे घर का जो एक लाइफ स्टाइल है, जो हमारे घर की गरीबी है या गरीबी नहीं भी है, तो एक अच्छा जीवन उनको हम लोग दे सकें। हम लोग का ये सिंपल सा छोटा सा अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य लेके विश्वविद्यालय आना होता है। लेकिन यहां आने के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग अपना एम सबसे पहले भूल जाते हैं, और उसके बाद स्थिति यह हो जाती है कि कुछ इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि बस गलत लोग के संगत में आने से भी आपके ऊपर पुलिस केसेज हो सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, जब भी आप विश्वविद्यालय में आते हो किसी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी किसी से दोस्ती करो, जो भी क्लोज आपके आने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। ये देखो कि उसकी मेंटेलिटी क्या, वो किस तरीके की बात करता है, क्या वो कुछ क्रिमिनल बातें करता है, किसी को मारने की बात करता है, चोरी करने की बात करता है, किसी को लूटने की बात करता है, किसी को छेड़ने की बात करता है। अगर इस तरीके की बातें करता है तो आपको उससे दूरी बना लेना है। आपको बेसिकली ध्यान देना है कि हमारे यहाँ बुराई खत्म नहीं होगी, आपको बुरे लोग से दूर रहना सीखना है, क्योंकि बुरे लोग के लिए तो पुलिस वुलिस है ही, हमारे यहाँ अदालत है, कोर्ट है, सब कुछ है, तो उनके लिए वो चीजें होने दो। वो गलत कर रहे हैं तो उनके लिए उसका न्याय मिलेगा, उन्हें उनका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, पूरा जीवन उन्हें भुगतना पड़ेगा, वो एकदम बुरे स्तर से गुजरने वाला है। लेकिन आप जो उसमें अच्छे लोग जो फंस जाओगे ना, वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा। सो प्लीज व्यक्तिगत रूप से खुद के बारे में विचार करें। कभी भी आप जब विश्वविद्यालय में आते हो तो आप ऐसी घटनाओं से दूर रहने की कोशिश करें। कोशिश नहीं करना पड़ेगा, ना जीवन खत्म ही हो जाएगा। फिर ये CUET UG CUET PG JEE मेन एडवांस इंजीनियरिंग डॉक्टर, ये किसी काम का नहीं रहेगा, सब धरा रह जाएगा। एक बार अगर इन सब चीज में चले गए, जीवन बर्बाद है दोस्त, सच बता रहा हूं। सो फाइनली दिमाग में बैठा लो, अब ये जो घटना है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये घटना है काशी विश्वविद्यालय का, यहाँ की एक छात्रा जो है वो कुछ लव वाला मैटर में किसी को मार दिया, उन्होंने ग्रुप बना के मार दिया, दो तीन लोगों ने मिलके मार दिया। इस न्यूज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेसिकली मैं उसको ना पढ़ना चाह रहा हूं ना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं।
एक्सप्लेन करने से अगर कुछ मिले तो कर देता, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली ये है कि हाँ, इसमें एक बात समझा सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि ये नौबत आई कैसे, जैसे जनरली होता है क्या है कि आजकल लव रिलेशन का जो मैटर है उसमें एक टॉक्सिक वर्ड आप समझ रहे होंगे या एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस होना चाहिए, हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि पहले आप प्यार करते हो, प्यार में आप उन्हें स्वतंत्रता ना देके आप उन्हें क्या करते हो, एक तरह से बंद करने की कोशिश करते हो, बैन करने की कोशिश करते हो, फिर वो टॉक्सिक होने लगता है रिलेशनशिप। बेसिकली क्या होता है कि आपको लगता है कि आप उसको कहीं जाने मत दो, हर चीज की परमिशन देने की कोशिश करोगे। भाई हर किसी का छात्र जीवन में स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन आजकल का जो टीन एज है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप चाहे लड़का हो वो लड़के का पूरा चीज अपने ऊपर जो है वो एकदम कैच कर लेता है कि नहीं भाई मेरे अकॉर्डिंग तुम करोगे, और सेम अपोजिट जेंडर का भी होता है। कहने का सेंस ये है जो मेरे, वो ये है कि भाई आप यहां पढ़ने आए थे, ठीक है, आपने प्रेम कर लिया, इसके लिए भी कोई नहीं मना कर रहा है, प्रेम तो हर कोई करता है, कितने सारे लोगों ने करा होगा, लेकिन इस प्रेम का ये लेवल कैसा है कि आप मारने तक उतारे हो जा रहे हो। ऐसा होता है कभी, ये तो मार दिए ना, कभी कभी लोग खुद को मारने लगते हैं, ऐसा भी केसेस हो जाता है। तो भाई प्रेम का ये लेवल तो सही नहीं है, प्रेम को प्रेम तक रहने दो बेसिकली, ठीक है। मैं देखो, मैं भाई यहां ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको बेसिकली, आप अगर बहुत समझदार होगे तो प्रेम करके चीजों को मैनेज कर लोगे, हम लोग के साथ उतना कॉन्शियसनेस नहीं है। आप प्यार के लफड़े में पड़ते हो और फिर वो लफड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि फिर अब टॉक्सिक हो जाता है, फिर आप मारना चाहते हो या खुद मरना चाहते हो। तो बेसिकली लड़कियों को इस पे थोड़ा सा वार्न होना पड़ेगा, लड़कों को भी वार्न होना पड़ेगा, लड़कियों को इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी को प्रेजेंट करती हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो ऐसे में प्लीज अवेयर रहें। वैसे ही मामला भी लड़की का ही है, ध्यान दीजिएगा, ये केस जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि लड़का ने लड़की को मार दिया, यहां तो लड़की ने लड़के को मारा है। तो केसेस किसी भी तरीके से बन सकते हैं, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, कोई भी पागल हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशंस ना क्रिएट करने, ना ही उसका हिस्सेदार बनना है। सो प्लीज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर किसी को वार्न हो जाए बेसिकली कि आपको जब घर से दूर होना होता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। मैं एक दो पॉइंट्स आपको बहुत बेसिकली अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं, जैसे कि आपको घर से बातें करते रहना है, कोशिश करनी है कि घर में किसी एक सदस्य को अपना क्लोज बना लेना है, चाहे दादा हो, चाहे पापा हो, मम्मी हो, भैया हो, दीदी हो, आपको किसी एक को, जरूरी नहीं आप हर किसी से बहुत ओपनली बात कर सको, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक से बहुत फ्रेंकली बात करो। आपको बेसिकली अगर कोई एक अच्छा लड़का पसंद भी आ गया लड़कियों को, तो आप उससे शेयर करो कि हाँ वो स्मार्ट है, अच्छा है, हो सकता है मेरी पढ़ाई में हेल्प करे, तो मैं शायद थोड़ा मोड़ा उससे बातें करो, लेकिन एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप घर से दूर एक्चुअली अपने सोशल मीडिया और क्लासरूम में क्या कर रहे हो, तो वहां पता होना चाहिए, जिससे कि वो भी चीजों को समझ सके और आपको बार बार वार्न कर सके, बता सके कि देखो ये सही नहीं है, देखो ये गलत है। सो प्लीज, और दूसरा अपना हालचाल बताते रहो, घर से भी हालचाल लेते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से कनेक्शन इस तरीके से कभी ना तोड़े कि हाँ आप मुझे बात ही नहीं करना है। प्लीज अगर आप बस एक छोटा सा काम करो, पता है क्या, अपने घर से बातें करते रहो, ये सब कंडीशंस कभी क्रिएट नहीं होंगे, कभी क्रिएट ही नहीं होंगे। अभी केरला स्टोरी आई थी, मैं केरला स्टोरी देखने गया, मुझे लगा कि ये मूवी बहुत घटिया है, देखना चाहिए। वैसे मूवी का बनाने का उद्देश्य उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस का या उस डायरेक्टर का क्या है, आई डोंट केयर। हाँ, उस मूवी के थ्रू जो मैसेज आया वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि भाई अगर आपको वार्न किया जा रहा है कि हाँ लड़कियों के साथ ऐसे सीन हो सकते हैं, तो भाई आप उसको देखो और आप समझो कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई मुझे मैनिपुलेट करके कोई मेरे साथ गलत करेगा, कोई मुझे छेड़ सकता है, कोई रेप कर सकता है, कोई मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली प्लीज मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने घर से टच में रहे, उस मूवी के कोर में यही है, उन्होंने अपने घर से वार्तालाप कम कर दिया, कम्युनिकेशन कम कर दिया, बातचीत का जो एक दायरा है वो बहुत सीमित कर दिया। सो प्लीज, और जो गार्जियन इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ करते हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें गलती हम सबकी होती है, लेकिन फिर भी आपने जब इतना कुछ करा है तो आप अपने बच्चों के जीवन के अंत तक पूरी कोशिश करें साथ रहने की। आप ऐसा नहीं है कि उन्हें घर से बाहर कर देते हो, आप उन्हें हॉस्टल भेज देते हो, आप उन्हें रूम में, लॉज में कहीं शिफ्ट कर देते हो, तो आपका जो दायित्व है पूरा हो गया। महीने का बस 5 से 6 हजार रुपए भेज के आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होती है जब आपके बेटे या बेटियों को कुछ होता है,
लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि थोड़े से आप अपने को ही तकलीफ दे के आप अपने बच्चों से पूछ लिया करिए कि हाँ तुमने खाया पिया क्या किया, कहाँ हो, कैसे हो, किससे मिले, थोड़ा मोड़ा जानकारी लेने की कोशिश क्या कीजिए, और पढ़ाई में बेसिकली उन्हें मोटिवेट करें। और एक अच्छा माहौल में अगर बच्चा रहेगा तो मैं बता रहा हूं कि ऐसी नौबत नहीं आती है कभी भी। इस वीडियो के माध्यम से BHU के इमेज पे आप लोग गलत नजर से मत देखिएगा, विश्वविद्यालय बहुत बेहतर है। और मैं जैसा बताया कि अच्छाई के साथ बुराई होती है, तो एक बस एक छोटा सा बुरा सा, छोटा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बुरा सा घटना है, लेकिन इससे आप जज ना करें। और मेरे जो संवेदनाएं हैं वो पूरे छात्रों के साथ है, मैं हमेशा चाहता हूं कि अच्छे के साथ अच्छा हो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग अच्छे हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, पढ़ाई करने आ रहे हो दोस्तों पढ़ाई करना। 4 साल का एक्सपीरियंस है काशी विश्वविद्यालय में, अभी भी वर्तमान रूप से मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, चीजों को समझ में समझता हूं कि हाँ ये चीजें यहाँ पे गलत हो रही है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद बस मेरा एक ही था कि हाँ आप सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और आप ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप आते हो, आप उस उद्देश्य को पूरा करो, अपने घर की स्थिति को समझो और आप अपने घर को कुछ बेहतर दे सको, अपने मम्मी और पापा का कुछ बेहतर जीवन दे सको और अपना जो है जीवन बना सको। बस इतना ही उद्देश्य के साथ इस वीडियो की एंडिंग कर रहा हूं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें हर एक विद्यार्थी को, जिससे वो कम से कम इतना समझ पाए कि हाँ भाई एडमिशन से पहले, एडमिशन लेने के बाद वो चीजों को समझ सके, हमेशा माइंड में रहे कि हाँ ऐसी चीजें नहीं करनी है। सो मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। थोड़ी ही देर में मैं बाकी जो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज हैं वो मैं आगे अपडेट करना शुरू कर दूंगा। और महादेव किस नगरी में आ रहे हैं, आपका भला हो, कर भला तो हो भला, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।